That is a biggie. It's out of here. People hit me up, but I know that they. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं हूं शाज़िब नज़र और आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं बिगिनर्स क्रिकेटर्स के लिए जो कि क्रिकेट शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं, अकेडमीज में खेलते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फास्ट बॉलर के लिए लाइन और लेंथ। बड़ा इशू आता है, अगर आप बॉलर हैं तो आपको पता होगा कि लाइन और लेंथ का बड़ा इशू आता है, वाइड्स होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं एक ड्रिल बताऊँगा जो जिस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा होगा जी। तो हमारी जो पहली चीज़ है वो ये है कि जब भी हम प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे माइंड में हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यार आज मैंने किस लाइन पर बॉल करनी है, मैंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करनी है, मैंने विकेटों में बॉल करनी है, टॉप ऑफ द स्टंप करनी है। तो ये माइंड में होना चाहिए क्लियर, ठीक है? तो जब घर से निकलें तो माइंड बना के निकलें कि भाई आज मैंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करना है, ऑफ स्टंप पे बॉल करना है, चौथे पांचवे डंडे पे बॉल करना है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। और फिर जब आप शुरू करते हैं प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस शुरू करने के बाद आपको एक ओवर दो ओवर कम से कम आपने जो है जान नहीं लगानी, पेस पे नहीं जाना, दूसरे बॉलर्स को नहीं देखना कि यार ये तो बहुत तेज़ कर रहा है और मेरी बॉल तेज़ नहीं जा रही है। हमने पेस पे फोकस नहीं करना, हमने सिर्फ लाइन और लेंथ पर फोकस करना है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मैंने सेटअप लगाया हुआ है, मैंने ये चार पॉइंटर्स रखे हैं अपना आइडिया करने के लिए। गुड लेंथ एरिया पे रखे हैं कि हमने बॉल कहाँ पिच करनी है, इस बॉक्स के अंदर पिच करनी है, ठीक है? उसके बाद क्रीज है, क्रीज के बाद विकेट्स लगा दिए हैं और वाइड के मार्क हैं दोनों। उसके साथ मैंने स्टंप रखे हैं वाइड के मार्क और विकेट के बीच में, आउटसाइड ऑफ स्टंप इसलिए रखे हैं कि हमने इसको हिट करना है, इस लाइन पर हिट करना है। इस लाइन को हिट करने के लिए क्या है कि हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा, तो मैंने टारगेट रखा है। तो आप, मेरे पास स्टंप अवेलेबल है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, कोन हो या आपके पास पीछे नेट है तो नेट पे आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, कोई शीट लगा सकते हैं, कोई मैट लगा सकते हैं, तो आपको उसको हिट करना है। रोज़ाना प्रैक्टिस करें, जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रोज़ाना कम से कम डेली अपनी रूटीन बना लें कि फास्ट बॉलर्स के लिए तो बड़ी आसानी होती है कि अकेले जाके कहीं भी दीवार पर भी बॉल कर सकते हैं। तो आप रोज़ाना कम से कम एक अपना टारगेट सेट करें कि मैंने 5 ओवर करने हैं, 6 ओवर करने, डेली रूटीन बनानी है, 7 ओवर करने, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपने बॉल करनी है, पेस पे नहीं जाना है। जब लाइन और लेंथ अच्छी हो जाएगी तो साथ में पेस भी, ये पेस पे भी काम हो रहा होता है। तो जब आप लाइन और लेंथ अच्छी कर रहे हैं तो साथ साथ आपका पेस पे भी काम हो रहा है। आपने शुरू में 1 ओवर, 1.5 ओवर, 2 ओवर आपने सिर्फ जगह पक्की की है, उसके बाद फिर आप रिदम भी बनता है आपका। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें और मुझे अपनी प्रॉब्लम भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।